संस्कृत को हटा दें? देखो अब यहां पर भी एक डिबेट आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल संस्कृत है, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन भी क्या देते हैं, या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो या स्पैनिश पढ़ लो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कि या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। और अगर आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं पढ़ना, ना तो मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूंगा, ना मुझे संस्कृत में किसी से बात करनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा, जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो। तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माय थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वं किं करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। तो संस्कृत, फ्रेंच, स्पैनिश, ये सब्जेक्ट्स यूज होना ही नहीं है। चलो मान लेते हैं 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे को फ्यूचर में फ्रेंच काम आने वाली है या संस्कृत काम आने वाली है। ऑप्शनल कर दो ना, गिव देम एन ऑप्शन, और ऑप्शन ढंग के, एक हुआ और खाई वाला नहीं, कि या तो संस्कृत लो या फ्रेंच लो या स्पोर्ट्स ले लो। क्या लोगे? कितने हैं जो, एक बार देख ही लेते हैं वोटिंग करके, कितने हैं जो संस्कृत लेने वाले हैं, कितने हैं जो फ्रेंच लेने वाले हैं, कितने हैं जो स्पोर्ट्स ऑप्ट करेंगे? सारे। अरे वाह, तो क्या ऐसा ऑप्शन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ढंग के रखो ना, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। और पीछे से इंस्ट्रक्शंस आने हैं, जो भी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में है उनके इंस्ट्रक्शंस आने हैं, स्कूल्स को फॉलो करना है, इसमें क्या मुश्किल है। और सोचो कितना बर्डन कम हो जाएगा हमारा, फालतू का जहां पर हम रट्टा मार रहे हैं वो कितना कम हो जाएगा। तो ये तो हो गए।